Hey guys, good morning, Jai Jagannath and welcome back to my channel. तो आज है सैटरडे और सुबह सबसे पहले मैंने गोलू को ब्रेकफास्ट करने के लिए दे दिया। उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भर दिए धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो दो बैच में धुलेगा आज कपड़ा। सैटरडे को गोलू का डांस क्लास भी होता है, तो अभी ख़त्म हो चुका है। वो ख़त्म करके आ चुकी थी। गोलू को ये डार्क फंटासी दिया था उसके सर ने, इसलिए वो उसको निकाल के देख रही थी। और ये वाला हाउस किस किस को याद है मुझे कमेंट ज़रूर करना। ये पता है हम लोगों के बचपन के टाइम पे मिलता था ये वाला हाउस, और ये आज भी मिल रहा है। मेरे पास नहीं था ये वाला हाउस, बट हाँ मैंने बचपन में देखा है ये किसी के घर में, और मुझे याद है बहुत। हम लोगों का मतलब ऐसा सीन नहीं था ना कि जो चाहा वो दिला दिया, वो मिल गया, या ऐसा नहीं था। बट हाँ मैंने ये देखा है किसी के घर में और मुझे याद है। और ये अभी नहीं लिया है, ये भी बहुत पुराना है। मैंने 5-6 साल पहले, गोलू पैदा नहीं हुई थी तब, पंकज ये लेके आए थे मेरे लिए। और गोलू की कज़न सिस्टर भी है, उसको उसने भी देखा बाद में, उसको भी ये पसंद आया, तो उसके लिए भी बाद में एक ला के पंकज ने दिया था उसको भी। सर ने आज उसको ये दिया है। डांस क्लास खत्म हुआ अभी। खुल जा सिम सिम। आप खोलो, आप खोल नहीं पा रहा है क्या गुल्लू? टूट जाएगा फिर तो, सारे चॉकलेट्स निकल जाएंगे उसके अंदर से। ऐसे खोल रुको। हाँ खोलो। दो मिला क्या? एक मेरा हो सकता है क्या? ना। नहीं मैं नहीं खाऊंगी इसे भी, मैं डाइटिंग पे हूँ। खा लो। यम्मी खा लो। चलो दिया था पीने के लिए, आधा छोड़ के चली गई। देखो और चिकन बनेगा आज, 1/2 kg चिकन है। नमक हल्दी मिला के रख दिया है। प्याज काटूंगी यहाँ पे, और मसाला यहाँ पे डाल के रखा है, सब पीसूंगी मसाले, और चिकन बनेगी आज। ठीक है, चिकन बन रहा है। वीडियो नहीं लिया क्योंकि लाइन चली गई थी। तो चिकन कसा देखो यहाँ पे हो रहा है, अभी थोड़ा देर पहले ही डाला है, लगेगा इसको। और देखो गुल्लू क्यों चिल्लाई पता नहीं, तो खेल रही है यार। मैं जब भी बोल रही हूँ वो चिल्ला रही है, क्या हुआ? ये देखो महारानी जी को देखो। वो टाइगर के अंदर होगा, देखो उसके अंदर टाइगर ने खा लिया होगा। उस हाउस के अंदर ढूंढो, जाओ। ऐसे ज्यादा करो फिर निकलेगी, जाओ। और एक बार ट्राई करो, नहीं निकलने से मामा के पास आना। ठीक है, 2-3 बार ट्राई करो, नहीं आने से फिर मेरे पास आना। देखो ये है गोलू का साइकिल, जो जिसपे वो घर में आती जाती रहती है, पैरों से अपने नहीं आती जाती रहती है। और इधर देखो 2 बजने वाले हैं, खाना नहीं बना क्योंकि लाइन चली गई थी, और खाना भी मैंने कुकिंग भी थोड़ा लेट स्टार्ट किया आज, तो लाइन चली गई थी तो मसाला नहीं पिसा था, इसीलिए चिकन नहीं बन पाया। तो अभी बन रहा है, लगेगा और भी आधा घंटा एटलीस्ट। तो चिकन बनाया, साथ ही में राइस भी बना दिया इधर, और दाल बना दिया था पहले से ही, तो दाल कम दाल बनाया है क्योंकि गोलू और मैं खाएंगे अभी, और पंकज आज नहीं खाएंगे, मंथ एंड है। तो एक ही 1/2 किलो चिकन है, 2 टाइम के लिए हम दोनों का हो जाएगा, गोलू का और मेरा। रात को भी पंकज नहीं खाएंगे, आज बाहर ही खाते हैं। तो चलो बनाते हैं जल्दी से जल्दी, फिर खाएंगे। आ गई देखो फिर से। ठीक है चलो चलो, कॉइंस देती हूँ। चलो चलो, देखो ये है उसका, इसी साइकिल से जाएगी आएगी। वायर नहीं लेते, चार्जिंग वायर है और गाड़ी का, दो इधर का। ये गाड़ी चार्ज खत्म हो गया है, इसका चार्ज करना पड़ेगा। दो मोस्ट रेडी हो गया है इसको। आओ हिला के दियो, ये देखो इसको भूख लग गई है। ये देखो बार बार हिला रही है गुल्लू कैमरा। तो रेडी हो गई है, बस और 4-5 मिनट पूरा सूखा सूखा भून दूंगी इसको, चिकन को ऐसे, है ना। 2 मिर्ची डाला है क्योंकि इसमें मैंने जो कश्मीरी चिली है ना वही डाला था, ऐसे सूखी मिर्ची और दूसरा नहीं डाला है, गुल्लू को तीखा लगेगी इसके लिए। तो बस ये बन जाएगा जैसे ही हम लोग खा लेंगे। राइस इधर बन के रेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो लंच लग गया,
गोलू को दिया है लेग पीस और मेरा रहा ये। और देखो टाइम कितना हो गया है, 2 बज गया। ये क्या है? वो मिर्ची है बेटा, कच्चा मिर्ची है, कच्चा मिर्ची है, खाओगी आप? हाँ सच में अभी दे देगी 2 मिनट के बाद मुझे, बल्कि बहुत तीखा है। देखो कैसे कर रही है, मूंग का दाल बनाया है चिकन कोसा। 2 बज गया उधर देखो। हैं खाना खा लो उसके बाद खेलते हैं। खा लो जल्दी, खा लो जल्दी, खा लो गबा गब, जितना जल्दी खाओगे उतना जल्दी खेलेंगे। मिर्ची लिया था, मिर्ची दे दिया उसने, और बारिश आ गई अभी, इतना जोर से आवाज आ रहा है कि नहीं पता नहीं, बट बारिश आ गया तो चलो खाते हैं। पानी आ जब रहा है, ये सब कपड़ा भी, बारिश कितना हो रहा है। बारिश होने के टाइम पे हम लोग खा रहे थे ना, तो यहाँ पे बेडरूम में देखो विंडो ओपन था, तो पूरा बारिश का पानी ऐसे अंदर आ गया है और बेड में भी गिरा है, बेडशीट भी गीला हो गया। और मैं बाथरूम चली गई थी उसी टाइम पे बहुत तेज आया था, तो गोलू आके देख के विंडो बंद करने लगी थी, तो उसका भी कपड़ा पूरा गीला हो गया बेचारे का, तो उसको भी मैंने ड्रेस चेंज करा दिया। अभी देखो बारिश कम हो गया है, मतलब बंद ही हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये देखो एक काम बढ़ गया, हाँ क्योंकि बेड गीला हो गया, अब उसको सुखाएंगे कैसे? फैन तो चल रहा है बट आयरन कर दूंगी तो सूख जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं गीला हुआ है। बेडशीट को चेंज कर दूंगी और गद्दा जो गीला हुआ ना उसको आयरन कर दूंगी। देखो आज बहुत बारिश होगी, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ गुवाहाटी में, अभी बारिश बहुत स्टार्ट हो गई है। ठीक है चलो, आपको आज का ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर से मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।